आज हम बना रहे हैं मखाना से स्नैक्स। तो इसके लिए हमने ली है काली मिर्च और साथ में लिया है हमने काला नमक। और अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और फिर इसे थोड़ी देर पिघलने देंगे। जब ये पिघल जाएगा तो अब इसमें डालेंगे मखाना। अब इस मखाने को अच्छी तरह से भून लीजिए। जब तक ये भून ना जाए इसे चलाते रहिए। शाम को जब आपको भूख लगती है तो इसे स्नैक्स के तौर पर आप ले सकते हो। जब ये भूनने लग जाए तो गैस की फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दीजिए। अब लगभग ये भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ी देर चलाते रहिए। इसमें बहुत कैल्शियम होता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए। और फिर जब आपको भूख लगे तब आप इसके 10-20 दाने खा सकते हैं। और ये कितना क्रिस्पी हो गया है।